विद्यार्थियों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में आज हम कक्षा टेंथ विषय विज्ञान के अध्याय छह जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे आज का हमारा प्रश्न है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है जाइलम और फ्लोएम पौधों के संवहनी संवहनीयुतक हैं पौधों में पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करते हैं तो हमें बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है ये प्रश्न कई तरीके से आ सकता है हर प्रश्न का उत्तर यहां आपको मिलेगा चलिए हम शुरुआत करते हैं एक चित्र के द्वारा इस चित्र को आप गौर से देखें यहां पर परिवहन दिखाया गया है पहले पानी का दिखाया गया है पेड़ पौधों की जड़ें मृदा से पानी को अवशोषित करती हैं उसके बाद ये पानी नीचे से ऊपर अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे की प्रत्येक कोशिका तक जाता है ताकि कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण कर सके प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी H2O अनिवार्य है इसको ले जाने वाले ऊतक संवहनी ऊतक ज़ाइलम कहलाते हैं तो जाइलम के बारे में हमें पता चला कि जाइलम पौधों में मिलने वाले वे संवहनी जो जड़ों द्वारा अवशोषित हो रहे जल को गुत्वाकर्षण के विपरीत नीचे से ऊपर पौधे की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं अर्थात जाइलम में पानी का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है नीचे से ऊपर जबकि फ्लोएम को गौर से ये देखें ये देखिए पत्तियों में भोजन बन रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियों में बना भोजन लेकिन फिर भोजन को इकट्ठा कहाँ किया जाता है आप जानते हैं कुछ पौधे अपनी जड़ों में भोजन को इकट्ठा करते हैं कुछ पौधे फलों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये भोजन पत्तियों में बनने के बाद वहां से चला और ये देखिए नीचे आ गया और जड़ों में इकट्ठा हो गया भोजन पत्तियों से चला और ऊपर जो जहां पर फल लगे हुए हैं उन फलों में इकट्ठा हो गया और इसको भोजन को ले जाने वाला संवहनी ऊतक है फ्लोएम तो इस प्रकार जो फ्लोएम है वो पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधों के अन्य अंगों को ले जाता है ये भोजन को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर यानी दोनों दिशाओं में ले जाने का कार्य करता है तो हमारा दोनों में अंतर पूछा था कि बताओ जाइलम और फ्लोएम के, के संवहन में क्या अंतर है तो पता चल गया कि जाइलम जल का संवहन करता है और नीचे से केवल ऊपर की ओर करता है जबकि फ्लोएम भोजन का संवहन करते हैं ये दोनों दिशाओं में भोजन का संवहन करते हैं ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी इसे द्विदिशीय संवहन कहा जाता है इसके अलावा हम और भी कई सारी बातें यहां जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं पहली समझ में आ गई जाइलम जल और खनिज लवणों का संवहन जड़ों से पत्ती की ओर करते हैं जबकि फ्लोएम भोजन का संवहन पत्तियों से संग्राहक अंगों अर्थात जड़ और फलों की ओर करते हैं दूसरा है जाइलम जल को हमेशा नीचे से ऊपर एक दिशा में ले जाते हैं जबकि फ्लोएम भोजन का संबंध दोनों दिशाओं में करते हैं चित्र में भी दिख रहा है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर चलिए तीसरा अंतर देखिए जाइलम जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें हम जाइलम वाहिकाएं वाहिनी काएं रेसे और जायम मृदुतक कहते हैं है। इस इसमें से वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जल के संवहन का कार्य करती हैं जबकि फ्लोएम भी चार प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बना है जिन्हें चलनी नलिकाएं सह या सखी कोशिकाएं जाइलम सॉरी फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेसे कहते bon हैं इसमें से चलनी नलिकाएं और सह कशिकाएं भोजन के संवहन का कार्य करती हैं ये एक और अंतर तीसरा अंतर आया हमारे सामने जाइलम और फ्लोएम का ये देखिए यहां पर दिख भी रहा है जाइलम में जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये पाइप की तरह इन्हीं को कहते हैं वाहिकाएं और वाहि जबकि फ्लोएम में जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, देखो जिसमें ये चलनी की तरह छेद हैं, इनको ही हम चलनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं कहते हैं तो जाइलम में भोजन का जाइलम जल का संवहन वाहिनी और वाहिकाओं के द्वारा करते हैं जबकि फ्लोएम भोजन का संवहन चलनी युक्त चलनी कोशिकाओं के द्वारा करते हैं दोनों दिशाओं में तीर दिखा रहे हैं यहां पर अंदर की ओर इसके अलावा मैं आपको चौथा अंतर बताऊंगा जायलम मृत और कठोर होता है जायलम बहुत कठोर होता है क्योंकि वो मृत है इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ये मृत होती हैं जायलम को बनाने वाली वाहिकाएं मृत होती है देखो यहां लिखा हुआ है नॉन लिविंग सेल्स तो जायलम मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है मृत कोशिकाएं अर्थात इनमें केंद्रक और कोशिका द्रव नहीं होता इनकी दीवारें स्थूलन के कारण बहुत अधिक मोटी होती हैं और अंदर से बिल्कुल खोखली और खाली होती हैं इसलिए जाइलम कठोर होता है और जाइलम में जल का संवहन भौतिक क्रिया के द्वारा होता है भौतिक बलों के द्वारा होता है जाइलम नीचे से ऊपर की ओर जल केशिका बल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल तथा ससंजन बल के माध्यम से करता है तो जाइलम में जल का संवहन भौतिक बलों के द्वारा हो रहा है जबकि देखिए यहां पर फ्लोएम में जो दिखाया गया है चलनी कोशिकाएं ये जीवित होती हैं ये लिखा हुआ है यहां पे लिविंग सेल्स जीवित होती हैं इनमें अंदर केंद्र को और कोशिका द्रव होता है अर्थात इनमें जो भोजन का संवहन होता है फ्लोएम की जीवित कोशिकाओं में वो जैविक क्रिया के द्वारा होता है विसरण और परासरण के द्वारा होता है तो हमने जाइलम फ्लोएम में चार अंतर देख देखिए तो यहां आप कई प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं एक तो जाइलम और फ्लोएम के वहन में क्या अंतर है इसके अलावा आप मुख्य प्रश्न का उत्तर तो यहाँ नीले बक्से में लिखा हुआ है इसके अलावा और कौन से प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप बना सकते हैं उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या है जाइलम और फ्लोएम पादपों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है जाइलम के द्वारा होता है जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है नीचे से ऊपर होता है पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है फ्लोएम के द्वारा होता है दोनों दिशाओं में होता है चलनी नलिकाओं के द्वारा होता है और संवनियो जाइलम फ्लोएम में चार अंतर लिखिए तो एक बहुत शानदार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका तैयार हुआ उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद